और आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं राजधानी भोपाल की। एचयूटी से संदिग्ध आतंकियों से जुड़ी बड़ी खबर। हैदराबाद से भोपाल लाए गए 5 संदिग्ध आतंकी, नरोत्तम मिश्रा ने पुष्टि की है। सभी को एटीएस आज कोर्ट में पेश करेगी। एटीएस 5 संदिग्ध आतंकियों की रिमांड मांगेगा और उनसे सख्ती से पूछताछ एटीएस करेगी। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हैदराबाद से भोपाल लाए गए हैं 5 संदिग्ध आतंकी जो कि एचयूटी से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा ने इसकी पुष्टि की है और अब उनसे पूछताछ होगी। रिमांड के बाद सभी को एटीएस आज कोर्ट में पेश करेगी और एटीएस उनकी रिमांड लेगी। रिमांड में कई बड़ी बातों पर पूछताछ उनसे होगी और सख्ती से एटीएस पूछताछ करेगी। तो 5 संदिग्धों को भोपाल लाया गया है। एटीएस उन्हें पेश करके रिमांड पर लेगी, उसके बाद उनसे सख्ती से पूछताछ होगी। हैदराबाद से भोपाल लाए गए 5 संदिग्ध आतंकी। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसकी पुष्टि की है, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल एटीएस उनकी रिमांड लेगी और रिमांड के बाद उनसे सख्त पूछताछ करेगी, इसकी पुष्टि नरोत्तम मिश्रा ने की है। एचयूटी के संदिग्ध आतंकियों से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 5 आतंकियों को हैदराबाद से भोपाल लाया गया है, भोपाल में उनकी पेशी होगी। एटीएस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड इनकी रिमांड लेगी और उनसे पूछताछ करेगी। चलेंगे राजधानी भोपाल, बात करेंगे सहयोगी शब्बीर अहमद से। शब्बीर, नरोत्तम मिश्रा इसकी पुष्टि कर रहे हैं कि इन सभी आतंकियों को भोपाल लाया गया है, रिमांड को लेकर क्या कुछ जानकारी, कब पेश किया जाएगा और रिमांड कितने दिन की मिल सकती है? देखिए शुभम, एचयूटी के आतंकियों से जुड़ी हुई 2 बड़ी खबरें हैं। पहले तो जो ये खबरें चल रही थी कि एक और व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, संदिग्ध आतंकी गिरफ्तारी, उसको लेकर उन्होंने मनाई कर दी है कि किसी भी तरीके की कोई भी कार्रवाई कल देर रात को नहीं की गई है, तो इससे पटाक्षेप हो गया। दूसरी ये है कि हैदराबाद से जिन 5 संदिग्ध आतंकियों को लाना था उनको भोपाल लेकर पहुंच चुकी है एटीएस। और अब बात की जाए तो करीब 1 घंटे के बाद, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, 1 घंटे के बाद उनको भोपाल की अदालत में पेश किया जाएगा और एटीएस रिमांड की मांग करेगी। और उम्मीद यही है कि जिस तरीके से पिछले मामले में उनको रिमांड मिली थी, अब रिमांड इस मामले में मिल सकती है। और उसके बाद अब अगली ये कह सकते हैं कि कई और खुलासे होंगे, जिसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जंगलों में किस तरीके की वो ट्रेनिंग करते थे, क्या कुछ करते थे और आगे की क्या प्लानिंग थी। जो भोपाल से गिरफ्तारी हुई, हैदराबाद से गिरफ्तारी हुई, इन सबको बिठाकर अब एटीएस आगे की पूछताछ करेगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण खुलासे होने की उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल शब्बीर, यानी कि कई बड़े खुलासे एटीएस करेगी पूछताछ में। बहुत शुक्रिया खबर को विस्तार से बताने के लिए।